प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना के चलते हमारी जिंदगी जीने के तरीकों पर असर पड़ा है, तो वहीं इस महामारी का असर हमारे त्योहारों पर भी पड़ा है। बात अगर गंगा दशहरा की करें तो इस त्योहार पर भी कोरोना की मार पड़ी है। कोरोना से पहले गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्नान को लेकर कई तरह के नियम कायदे बनाए गए हैं। पहले जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते थे, तो वहीं इस बार 20 जून को पड़ने वाले गंगा दशहरा स्नान पर बाहरी श्रद्धालुओं के लिए रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने गंगा दशहरा पर्व को सांकेतिक रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि अपने घर रहकर गंगा दशहरा पर्व स्नान मनाएं। इसके लिए आने वाली कल यानी 20 जून की सुबह से पुलिस द्वारा सभी बॉर्डर को सील कर चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। और गंगा सभा की भी मीटिंग की गई है, जिसमें यही निष्कर्ष निकला है कि जो स्नान है ये बस सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा, और इसमें जो हमारे जिले की जो सीमाएं रहेंगी वो बाहरी राज्यों से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए एक तरह से सील ही रहेंगी। तो हमारी ये अपील भी है कि जितने भी श्रद्धालु हैं ये लोग अपने घर में रहकर इसको मनाएं, एवं जो ये स्नान रहेगा बिल्कुल सांकेतिक होगा और कोविड का अनुपालन किया जाएगा उसके SOP का, और जो भी इस तरह से नहीं मानेगा उनके विरुद्ध फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये बाहरी राज्यों के लिए, अभी श्रद्धालुओं के लिए तो इसे एक तरह से रोका ही जा रहा है। इसमें यह है कि सांकेतिक रूप का स्नान है ये, तो इसलिए हमारी जो जिलों की जो बॉर्डर्स हैं उस पर प्रॉपर चेकिंग चलेगी और इसको वो किया जाएगा, चेक किया जाएगा। वहीं निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना के नियमों का पालन करें और गंगा दशहरे के दिन अपने घर पर रहकर गंगा स्नान करें। क्योंकि गंगा दशहरा एक बहुत पावन पर्व है और गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का, गंगा दर्शन का, गंगा स्पर्श का बहुत पुनीत फल है, पर देश की परिस्थिति ऐसा इस समय नहीं है कि हम आकर गंगा स्नान करें और हम हरिद्वार में आकर के गंगा स्नान कर सकें। तो इसलिए हमें घर बैठे मानसिक गंगा स्नान करना चाहिए, हमें घर बैठे माँ गंगा का ध्यान करना चाहिए, और भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड प्रशासन और प्रशासन के जो भी गाइडलाइंस हैं मुझे लगता है वो हमारे हित के लिए है और हमें उसका पालन करना चाहिए जिससे हम सबों की रक्षा हो सके। तो मैं तो आग्रह ये करूँगा कि आप सब गंगा स्नान के लिए हरिद्वार ना आए और आप घर में मानसिक स्नान करें, घर में आप सभी ध्यान में माँ गंगा को देखें, ध्यान में माँ गंगा का स्नान करें, तो मुझे लगता है आपको वही फल घर बैठे। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा धरती पर आई थी और भगीरथ के पुरखों का उद्धार किया था। गंगा दशहरा के दिन हर की पौड़ी स्थित ब्रह्म कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है, और यही वजह होती है कि देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार स्नान करने लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।